बेटे के नाम से जाना जाता है, जिसने लंबे संघर्ष से इन लोगों का विश्वास जीता है, जिन्होंने सर्वधर्म सेवा समिति के रूप में ऐसा संगठन बनाया जो पिछले 10-15 सालों से आप लोगों के मसलों को लेकर संघर्ष कर रहा है। क्योंकि जब हमने सर्वधर्म सेवा समिति बनाई थी तो हमारी इसके अंदर एक विचारधारा, एक सोच थी। सर्वधर्म सेवा समिति की विचारधारा एकता, अखंडता और भाईचारा, गरीब का बच्चा बड़े 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 माँ बाप का सहारा बुलाने के लिए आज वो चेहरे हमारे यहाँ आए हैं। हम सुबह के इजाजी समझते हैं हम लोगों के साथ कि
भाजपा वाला नहीं हूं मैं। इस भाजपा सरकार ने जड़िया क्यों का सब पहुंचाइया, चाहे बेजाई के नाम पर होगा, चाहे कोरोना के नाम पर होगा, चाहे पेट्रोल के नाम पर होगा, चाहे बेरोजगार के नाम पर होगा, लेकिन एक उम्मीद बाकी लोगों आम आदमी पार्टी के प्रति कि नहीं यार कोई मुकाबला करने आई है, कोई आदमी सरकार का मुकाबला करने आई है, कोई आदमी ऐसा है जो बोलता है और करता है। अगर बिजली फ्री आगी तो दिल्ली पानी फ्री आ गया दिता, एजुकेशन सुधार देता तो लिया, अगर अच्छे हॉस्पिटल की गल आई अच्छे हॉस्पिटल देंगे। और अज दिल्ली की तरफ से भी रोक लगी है। दोस्तों साथियों, आम आदमी पार्टी का जाने करने का इको कारण रहा कि अस बदलाव चाहते हैं जोड़ा सा हिंदुस्तान ही बचाव चाहे और सारे जो गरीब तबका है उन्हें गरीबी दो आजादी मिले। मैं यह नहीं आता कि 70-75 वर्ष के बीच सारे देश ने तरक्की नहीं की, लेकिन इतों जोड़े गोरे मिले जो चली है लेकिन काले मिले जो है कोई खैर नहीं। तरक्की के करने के बावजूद भी जोड़ा आम आदमी इस उम्मीद में वोट पाता कि शायद यह सरकार आ तो मेरा कुछ करे, कहीं सरकार आ मेरा कुछ करे। और तीसरे सारे मोदी जी 2014 चाहे एक उम्मीद सारे लोगों ने काकी यह काकी कि अब सारी बड़ा बड़ी समस्या जड़ी है वो बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री द्वारा एक प्रॉमिस प्रोग्राम में किया गया कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, काला धन वापिस आएगा। और काला धन वापिस आ गया तो 15-15 लाख आपके अकाउंट में दूरी चला जाएगा। 2014 के बाद हमारे लोगों को क्या मिला? बेरोजगारी, हर साल 2 करोड़ युवा बेरोजगार, चाहे जीएसटी थी चाहे नोटबंदी थी, सारे जितने भी इन्वेस्टर लिए वो सारे फेल समझ चुके। तो दोस्तों साथियों, आज इको उम्मीद है पूरे देश के बीच, जम्मू कश्मीर के बीच, हिमाचल के बीच, हरियाणा के बीच और पूरे देश के बीच आखिरी उम्मीद आम आदमी पार्टी। और मैं इस मंच पर विश्वास करना कि जो सारे सिटीजनशिप है, चाहे मनकोटा साहब, चाहे कोहली साहब, चाहे कुल्ला साहब और तमाम दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के नेता, ये मैं विश्वास करना अगर आम आदमी पार्टी का उस दामन पकड़ा अज से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली कम किया तब से शुरुआत की थी। और कई एक आम आदमी की बेसिक दिलचस्पी है, बेसिक नीड है, उसी पूरा करने की कोशिश की थी। आने वाले टाइम के बीच जम्मू कश्मीर से भी युवाएं रोजगार को लेकर इसे महंगाई घट होगी, इसे जेड़े बिजली के दाम जेड़े पानी के दाम वो घट होंगे, अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। और मैं यूं उम्मीद करता कि आने वाला इलेक्शन चाहे 6 महीने बाद होगा चाहे साल होगा, आम आदमी पार्टी का पूरा साथ देना और एक बदलाव बदलाव की राजनीति जो आम आदमी का हक है उसी में है। हूं मैं सिद्धू लगता कि शुरुआत
करने जा रहे हैं, एक ऐसे इंकलाब के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं जहां एक आम आदमी को उसके हक का अधिकार मिलेगा। दिल्ली के अंदर आंदोलन शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी का वजूद हुआ, जहां बिजली की बात हुई, पानी की बात हुई, स्कूल की बात हुई और बेहतर अस्पतालों के अंदर इलाज की बात हुई, जो एक आम आदमी का हक है। और वही जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक ढिंढोरा पीट रही है, पीटा जा रहा है, कहां पे फ्री फ्री की आदत डाल रहे हैं, लोगों को बेकार की जिंदगी जीने का अधिकार की बात कर रहे हैं, हम फ्री दे रहे हैं, हम बेहतर स्कूल में बेहतर तालीम दे रहे हैं। अभी मैं एक खबर सुन रहा था यूपी के स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर फीस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी, प्राइवेट स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी कर दो, गवर्नमेंट ने उसका आपको कोई नहीं रोकने वाला है, लेकिन गरीब का बच्चा पढ़ाई कहां करेगा। हमने दिल्ली के अंदर फ्री बिजली दी, हमने दिल्ली के अंदर मुफ्त पानी दिया, हमने दिल्ली के अंदर बेहतर स्कूल दिए, हमने दिल्ली के अंदर बेहतरीन इलाज किया, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने ओल्ड एज लोगों के लिए एक अच्छा घर तामीर किया जहां हमारे बुजुर्ग तो वही बीजेपी ने इस देश को क्या किया, उन्होंने भी बहुत कुछ दिया। इस बात से मुझे एतराज नहीं, बीजेपी के लोगों ने कमी नहीं रखी, उन्होंने 15 लाख दिया, मुफ्त में दिया। मुझे बताओ अगर हम ये चीजें कहें, साथियों
बैकग्राउंड पहचाना है। आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा तो पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें हासिल की। हालांकि उस समय हुकूमत कांग्रेस की थी, नेता लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। तो 2013 के अंदर इन्होंने 28 सीटें हासिल की। दूसरी बार जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में चुनाव तब हुआ तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 49 दिन की सरकार दिल्ली के अंदर बनी। तो कांग्रेस के कुछ दल बदलु नेता जैसा कि आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर पूरे देश में एक रोशनी की किरण जो तमाम जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे थे कि एक कोई अल्टरनेटिव हमें मिले, वही रोशनी की किरण हमारे जम्मू के लोगों को आज मिली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब उन्होंने पहली बार सरकार बनाई, जो वायदे उन्होंने पूरे किए और जो सरकार सिर्फ 2 महीने चली, कांग्रेस का भारत से सपोर्ट था। और आज अरविंद केजरीवाल जी 3 बार वहाँ पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे, तो इसका साफ मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जो वायदा लोगों के साथ किया, चाहे बिजली को लेकर हो, चाहे पानी को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे करप्शन को लेकर हो, वो उन वादों को पूरा किया। जब उन वादों को पूरा किया तो उसी के साथ साथ हमारी जो एडजाइनिंग स्टेट दिल्ली के साथ पंजाब थी, वहाँ पर भी आज पूर्ण बहुमत की सरकार है। और जम्मू कश्मीर जिस तरह से आज इस बीजेपी के राज में डेमोक्रेसी का मर्डर किया गया, आज 3.5 सालों में हमारे पास चुनी हुई सरकार नहीं है, लेकिन आज लोग आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं और आज एक क्रेडिबिलिटी आम आदमी पार्टी की बनी है, केजरीवाल जी की बनी है। कहने का मतलब यह है कि जो केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं। आम आदमी पार्टी की जो नेसेसिटी है, बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, वो सारी बातें जो है वो आम आदमी पार्टी पूरा करेगी। वो आपके साथ उन्होंने वादा किया है, अगर आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में आती है तो मैं विश्वास से कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोज़गार मिलेगा, जो बीजेपी की तानाशाही है वो ख़त्म होगी, लोगों को बिजली पानी सस्ता मिलेगा, जो डेली वेजर्स हैं, चाहे SPs हैं, चाहे तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, PHE के डिपार्टमेंट्स हैं, बिजली डिपार्टमेंट्स हैं, जो अदर डिपार्टमेंट में, उन सभी डेली वेजर को पक्का किया जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी समझती है, महसूस करती है कि एक आम आदमी एक डेली वेजर 5-6 हज़ार में अपने घर का गुजारा इस महंगाई के दौर में नहीं कर सकता। और 70 वर्षों में मैं ये नहीं करूँगा कि भारत ने तरक्की नहीं की, भारत ने बहुत तरक्की की, लेकिन आम आदमी जिस उम्मीद में वोट डालता था कि शायद यह सरकार आएगी हमें रोजगार मिलेगा, चाहे दूसरी सरकार आएगी तो हमें महंगाई कम होगी, लेकिन सिर्फ लोगों से प्रॉमिस किए गए जैसे केंद्र की सरकार ने किए। और आम आदमी पार्टी लोगों की उम्मीद है
और आने वाले दिनों में अगर लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आम आदमी पार्टी लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगी और जो आम आदमी को चाहिए होगा वो सारा कुछ मिलेगा और आम आदमी जो है वो राहत की सांस लेगा अगर आम आदमी पार्टी की सपोर्ट करता है। शुक्रिया। जय हिंद। जय भारत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर पूरे देश में एक रोशनी की किरण जो तमाम जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे थे कि एक कोई अल्टरनेटिव हमें मिले, वही रोशनी की किरण हमारे जम्मू के लोगों को आज मिली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब उन्होंने पहली बार सरकार बनाई जो वायदे उन्होंने पूरे किए और जो सरकार सिर्फ 2 महीने चली, कांग्रेस का बाहर से सपोर्ट था, और आज अरविंद केजरीवाल जी 3 बार वहाँ पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे, तो इसका साफ मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जो वायदा लोगों के साथ किया, चाहे बिजली को लेकर हो, चाहे पानी को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे करप्शन को लेकर हो, वो उन वादों को पूरा किया। जब उन वादों को पूरा किया तो उसी के साथ साथ हमारी जो डिजाइनिंग स्टेट दिल्ली के साथ पंजाब थी वहाँ पर भी आज पूर्ण बहुमत की सरकार है, और जम्मू कश्मीर जिस तरह से आज इस बीजेपी के राज में डेमोक्रेसी का मर्डर किया गया, आज 3.5 सालों में हमारे पास चुनी हुई सरकार नहीं है, लेकिन आज लोग आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं और आज एक क्रेडिबिलिटी आम आदमी पार्टी की बनी है, केजरीवाल जी की बनी है। कहने का मतलब यह है कि जो केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं। आम आदमी पार्टी की जो नेसेसिटी है, बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, वो सारी बातें जो है वो आम आदमी पार्टी पूरा करेगी। वो आपके साथ उन्होंने वादा किया है, अगर आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में आती है तो मैं विश्वास से कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोज़गार मिलेगा, जो बीजेपी की तानाशाही है वो ख़त्म होगी, लोगों को बिजली पानी सस्ता मिलेगा, जो डेली वेजर्स हैं, चाहे SPs हैं, चाहे तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, PHE के डिपार्टमेंट्स हैं, बिजली डिपार्टमेंट्स हैं, जो अदर डिपार्टमेंट में, उन सभी डेली वेजर को पक्का किया जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी समझती है, महसूस करती है कि एक आम आदमी एक डेली वेजर 5-6 हज़ार में अपने घर का गुजारा इस महंगाई के दौर में नहीं कर सकता। और 70 वर्षों में मैं ये नहीं करूँगा कि भारत ने तरक्की नहीं की, भारत ने बहुत तरक्की की, लेकिन आम आदमी जिस उम्मीद में वोट डालता था कि शायद ये सरकार आएगी हमें रोज़गार मिलेगा, चाहे दूसरी सरकार आएगी तो हमें महंगाई कम होगी, लेकिन सिर्फ लोगों से प्रॉमिस किए गए जैसे केंद्र की सरकार ने किए, और आम आदमी पार्टी लोगों की उम्मीद है और आने वाले दिनों में अगर लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आम आदमी पार्टी लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगी और जो आम आदमी को चाहिए होगा वो सारा कुछ मिलेगा और आम आदमी जो है वो राहत की सांस लेगा अगर आम आदमी पार्टी की सपोर्ट करता है। शुक्रिया। जय हिंद। जय भारत। ये आपका विस्तार तो है ही है, लेकिन सरकार के खिलाफ जन आक्रोश, सरकार के खिलाफ गुस्सा, सरकार के खिलाफ बगावत, सरकार के खिलाफ नाराज़गी लोगों की है कि जो वादे यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार ने यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के डेली वेजर्स के साथ, यहाँ के आम नागरिक के साथ किए थे उनको पूरा करने में खरा नहीं उतरी है, और यही नाराज़गी, यही बगावत, यही आक्रोश आज आम आदमी पार्टी के रूप में यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए उनको लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो किस नज़रिए से कह रहे हैं, उनको ग्राउंड की कितनी रियलिटी मालूम है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उनको ग्राउंड की रियलिटी पता होती तो शायद ये बात नहीं कहते, शायद ग्राउंड रियलिटी से वो परे हैं। पिछले दिनों भाजपा नेता तरुण चुग का बयान आया कि आम आदमी पार्टी एक दोबारा जल्द ही पड़ जाएगा, क्या कहेंगे सर? मैंने वही कहा कि शायद उन ग्राउंड रियलिटी से वो परे हैं, जो उनके लोग उनको जो बताते हैं शायद वो बढ़ चढ़ कर अपनी तारीफ करते हैं या अपनी टीम की तारीफ करते हैं, ग्राउंड की रिपोर्ट उनको सही में बता नहीं रहे हैं, बहुत जो करंट अंदर चल रही है वो आप खुद महसूस कर रहे हैं। भाजपा की हर तरफ नजर आ रही है, और क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी प्रतिनिधि के रूप में जम्मू कश्मीर में भाजपा का मुकाबला करेगी? बिल्कुल डेफिनेटली करेगी। ये सिर्फ ये पार्टी नहीं है, ये आंदोलन है, ये लोगों की नाराज़गी है, लोगों का गुस्सा है, मैंने पहले भी आपको बताया, और वो गुस्सा वोट के रूप में बदल रहा है, और जब वोट के रूप में पूरे तरीके से बदलेगा तो डेफिनेटली जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार भी बनाएगा। जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, हाँ देखिए बिल्कुल लोगों को जो एक्सपेक्टेशन थी और जो वादे उस टाइम भी 370 के दौरान लोगों से किए गए, उन वादों को पूरा करने में सरकार सफल नहीं हो पाई है, और वो भी एक कारण है कि लोग आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं।
रहा जम्मू और कश्मीर का, तो मैं ये कहना चाहूँगा कश्मीर के अंदर भी या वहाँ का युवा ये सोच रहा है, ये प्लान कर रहा है, ये डिस्कस कर रहा है कि आज तक हमें जिन स्लोगन्स को लेके हमें जिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने गुमराह किया, और जम्मू का युवा भी सोच रहा है कि जिन स्लोगन को लेके हमें गुमराह किया गया है, तो वो स्लोगन इसलिए लगाए गए कि जम्मू वालों को ये बताया कि कश्मीर आपका हिस्सा खा गया, कश्मीर वालों को ये बताया कि जम्मू खा गया, लेकिन आज रिज़ल्ट ये हुआ कि हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में कमरा नहीं है, कमरा होता है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बैठने की जगह नहीं है, हॉस्पिटल में जाइए तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो कमरा नहीं है। आज दिल्ली मॉडल देखिए, लोग देख रहे हैं यहाँ का हर वर्ग का, हर धर्म जात का इंसान दिल्ली का मॉडल देख रहा है कि वहाँ हॉस्पिटल जाइए, मोहल्ला क्लिनिक जाइए, बेहतर है। वहाँ पर स्कूल देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बेहतर सरकारी स्कूल वहाँ आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको बिजली का आपको बिल नहीं देना पड़ता, पानी का नहीं देना पड़ता। तो अगर वहाँ पे सरकार ये करती है तो हम क्यों नहीं डेवलपमेंट की बात करें, हम क्यों जात धर्म बरादरी और रिलीजन के नाम पे लड़ते रहें और इन लोगों को मौका दें कि ये मौज मस्ती करें हमारे टैक्स पेयर मनी से और हमारे ऊपर हुकूमत करें, हमें दें कुछ नहीं, सिर्फ धर्म के नाम और जाति के नाम से हम लड़ाएँ। अब जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर की पब्लिक ये सोच रही है, इसलिए वो डेवलपमेंट की तरफ अपना प्लान, उसमें कोई जब भी यहाँ जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी होगी, जिस तरीके से पहले खड़े होते थे उसी तरीके से खड़े होंगे, उसी तरीके से मुकाबला करेंगे, उसी तरीके से जम्मू के लोगों के पक्ष में कंधे से कंधा। देखिए, जम्मू अलग राज्य की जो मांग है, इसके ऊपर हमने जो हमारा आने वाले समय में हम ये कहना चाहेंगे कि इसके सिवाय कोई शायद चारा नहीं बचेगा, लेकिन फिलहाल मैं कहूँगा कि ये अलग राज्य का जब तक पार्लियामेंट के अंदर, कोई भी स्टेट अलग होती है तो पार्लियामेंट के अंदर जब इसको बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता तब तक ये पॉसिबल नहीं है, और नेशनल लेवल पे हमें वो कंसेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू के लोग तो हम सिर्फ कर नहीं सकते, हम जम्मू में तो हमारा ये जो मिशन, ये जो प्रोग्राम है, ये जो मैसेज है चल रहा है, लेकिन ये नेशनल लेवल पे भी एक कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है। यही वजह है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है कि कल पार्लियामेंट के अंदर भी इन मुद्दों को उठाया जाए ताकि वहाँ पे सपोर्ट मिले। हम जिस लेवल पे यहाँ कर रहे हैं उस लेवल पे पॉसिबल नहीं। क्या लगता है कश्मीर के बिना जम्मू अधूरा है, क्या देखते हैं? देखिए, ये फिलहाल तो हमारा सभी का ये स्ट्रगल है कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी और इसको दोबारा स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, और स्टेट के दर्जे के लिए दोनों खत्म कर देखिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हम यहाँ खड़े हैं और आप भी, मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑनर करते हैं। जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं था तब तक मुझे लगता है कोई भी लीडर अपना स्टेटमेंट दे सकता था, लेकिन आज जब हमें पूरे देश के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है, तो मैटर जब सब जूडियस है तो मुझे नहीं लगता है कि सवाल पूछना भी जायज़ है और सवाल देना भी। मैंने आपको यही कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, सब जूडियस नहीं था, तो बिल्कुल स्टेटमेंट देना मेरी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन जब सब जूडियस है इसका मतलब आप सवाल पूछ रहे थे, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं करते ना। आप पहले मुझे बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा तो आप कौन होते हैं और मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामला नहीं होता फिर मेरा स्टेटमेंट बनता था कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन है ना दे सकता, तो आपको और मुझे भी सुप्रीम कोर्ट का दरबार मुख की जो प्रथा है वो बंद की है और बिल्कुल ठीक है, बंद होनी चाहिए। क्या जो आदान प्रदान था, क्या गलत था? उसे लोगों के ऊपर बोझ पड़ता था, 300 करोड़ का सालाना खर्चा था जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, बिजली पानी का बिल उनको माफ किया जा सकता था, वो खामखा का कुछ नौकरशाह और कुछ लीडरों को फायदे के लिए 300, ये जो अपना आपका मूव होता था उसका फायदा कोई नहीं था। हाँ, देखिए घबरा गए हैं बेचारे, घबराहट में है, और यही वजह है कि वो जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं कि बिजली पानी मुफ्त देंगे, जिन स्टेट्स के अंदर उनकी हुकूमत है तो वहाँ नहीं अनाउंस करते हैं, वहाँ करिए ना पहले, जब आप जो आपके हाथ में है, जो पावर में है वो करिए, यहाँ तो बाद की बात है जब वोट पड़ेंगे। हाँ, इनडायरेक्ट सरकार तो वही चला रहे हैं, लेकिन आप वो कहते हैं जी हमारी सरकार बनेगी, तो सरकार बनेगी तो जहाँ बनी है वहाँ से शुरुआत कीजिए ना, तो तब आपके ऊपर जम्मू कश्मीर के लोग भी भरोसा करेंगे। देखिए, मैंने तो जो अभी मैं तो बड़ा न्यू कमर हूँ, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का सिस्टम है तो या तो पूरा क्लीन स्वीप कर दिया तो या कुछ भी नहीं, तो मुझे लगता है देखिए हर्षदेव जी, मैंने पहले भी कहा कि हमारे बड़े भाई हैं, उनके लिए हमारे दिल में बहुत जगह है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे बड़े दिनों से हमारी चर्चा नहीं हुई है, और वो आते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम, सभी का ये कहा कि पॉलिटिकली बड़े दिनों से हमारी चर्चा नहीं हुई, पार्टी तो एक मेरी तो या केजरीवाल साहब की तो है नहीं। मैंने वही कहा कि पहले हमारे पर ये लगता था कि ये परिवार की पार्टी है,
तो हमारे ऊपर छींटाकशी भी होती थी। अब तो ऐसा है नहीं है, अब तो एक डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट कल्चर है, और इसमें मुझे लगता है हर आदमी का अधिकार बनता है पार्टी में आने का, पार्टी में रहने का, पार्टी ज्वाइन करने का, उसमें कोई रोक टोक नहीं है।